नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय के कुम्हार दबैल का जो गांव है वार्ड नंबर 7 है वहां से दिखा रहे हैं। ये मामला बिहारीगंज थाना के अंतर्गत है। इस वक्त जो आपको है बिहार में पुलिस की नहीं अपराधी की गोली बोलती है और अपराधी आकर सरेआम बीच बस्ती में आके घर में घुसकर गोली मार देते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जिनको गोली मारा गया है वो पूर्व सरपंच प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं, उनके परिजन है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कैसे क्या हुआ। क्या नाम है आपका? दो आदमी मोटरसाइकिल पर था, तीन आदमी यहाँ था, एक आदमी दो आदमी पकपाल सोली और के इधर घूरा, जैसे हम दौड़ल वहाँ शायद पीछे वो पीछे घूरा जाता उधर से गोली छोड़ दे जाता, मम्मी को गोली चलाया वहाँ पर गया, मम्मी ऐसे खींच रहा था पापा का, पापा मम्मी छिप गया तो गोली वहाँ लगा, जैसे चिल्लाए उधर से लोग सब आगा बस पीछे आगू पांच आदमी थे, तीन आदमी द्वार पे थे, दो आदमी वहाँ मोटरसाइकिल पर थे। एक बजे 12 बजे सरे 12 बजे आप लोग हल्ला किए तो आप लोग पे भी गोली हाँ कल कह के वो कर बेटा छे चलाओ गोली चला चलवा लगले, जब हम चिल्लावे लगलिए ना भैया हमरा पीछू रे हम आगू रे, किसी से कोई झगड़ा उगड़ा नहीं था? नहीं, अगल बगल किसी से नहीं झगड़ा था, मामू से झगड़ा था बस। क्या मामला क्या था, क्यों झगड़ा? झगड़ा क्यों था, वो जमीन मीटर में मतलब जमीन जगह में था हिस्सा मेरी मम्मी लिया था, सब कुछ हो गया था, अब जजमेंट हुआ होने वाला था बस इसी मम्मी पापा। कल भी किसी से झगड़ा हुआ? कल किसी से नहीं झगड़ा हुआ, गाँव में किसी से नहीं झगड़ा था, वहीं पर बस। कहाँ पे सोया हुआ था? मेरा पापा मम्मी यहीं चौकी था, यहीं सोया था, अभी चौकी निकाले हैं इसी जगह वहाँ पर भी। पीछे मामा का जो जमीन है कहाँ पे था? वो बिसरिया दौड़ी बिसरिया चौक पर छे, वो गाछ के छे वहीं पर छे जमीन, 10 बीघा रहे ना तो 5 बीघा हमारे पापा हासिल कर लेने छे, बोले रहे सब कुछ खाली जजमेंट रहती है जमीन पर चढ़ती है। कौन ये? हमारे पापा छी है। आपके पिताजी बिहारीगंज थाना गए थे, क्या मामला? पता नहीं पापा, पता नहीं थे लेकिन मेरे पापा मेरे के साथ खेत में थे शाम में 2-3 बजे से। देखिए पूर्व से विवाद चल रहे थे, अपूर्व कल भी ये जो मृतक हैं गणेश मंडली कल भी बिहारीगंज थाना गए थे, फिलहाल क्या मामला है वो जांच का विषय है। अब जांच में देखना है क्या गणेश मंडल की हत्या करने वाले अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होता है या नहीं। देखते रहिए रिपब्लिकन टाइम्स मधेपुरा से, मैं प्रिंस कुमार मिट्टू।